कहता है चिराग दीपक दीपक फायर फायर तो क्या आप में वो आग है जो जरूरी है और मैं यहाँ आया हूँ अच्छा अंदर क्या बोला था आपने मुझे I'll check him up तो अंदर जाकर करोगे अभी या ऑलराइट मैन लेट्स सी ऑल द बेस्ट चिराग या तुम्हारा फॉर्म बड़ा इंटरेस्टिंग है यार थैंक यू तुम्हें पता नहीं तुम्हारी वीकनेस क्या है नहीं तुम कह रहे हो कि तुम्हारी है ही नहीं कोई वीकनेस मुझे नहीं लगता मेरे में कोई वीकनेस है तुम्हें नहीं लगता ना यार रोडीज बनने आया या मेरी बजाने आया तू फॉर मोर देन रोडीज इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू जैक हिम अप आई गेस मैं रोडीज बनने आया बाहर क्या बोला तूने बाहर क्या बोला तूने दैट्स वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है मेरे को बजाना बजा नॉट यू आई मैंने आपको देखा आप बहुत रूड थे 2-3 मुझे कब देगा पिछले साल तो मैं था ही नहीं पिछले साल आपने ऑडिशन लिया था मैंने नहीं लिया आप बजा लिया था तो होस्ट ठिकाने तेरे दिखता भी है कौन कौन है चल बजा ही इज गोना अब्यूज अस कैन आई गो अहेड होप यू डोंट टर्न मी ऑफ फट रही है तो मत बोल बोलना है तो बोल तू बाहर भी मत बोला कर अगर फट रही है बोल मैं बजाना चाहता रहूं कि अगर वो परमिशन दे दे तो ऐसे बोल नहीं दे रहे हम परमिशन तो परमिशन नहीं दे तो मैं नहीं कर रहा ये क्या है ये इतना एटीट्यूड भरा तुम्हारा ये फॉर्म है और ये क्या है ये एक बंदा मिला बैंगलोर में जो कह रहा हाँ बजाऊंगा मैं वाह यहाँ तेरे को रिटर्न परमिशन दूं ऐसी गाली दे जो सुनी नहीं तब बजाए कम ऑन चलो गाली दो बोलो अबे टकलू क्या समझते अपने आप को ये गाली था हाँ अच्छा चलो आगे बढ़ो क्या समझते अपने आप को इतने रूडली बात करते अपने आप को समझ के क्या रखा बहुत बड़ा स्टार्ट है तू हाँ ये इसमें गालियां कौन सी है मेरे को पता हो पहले इडियट कम ऑन मैन तेरी वीकनेसेस नहीं है नहीं है मुझे नहीं लगता बता अपने बारे में और कुछ मैं यहाँ रोडीज बनने आया हूँ यार तू कैप्टन ऑब्वियस है क्या ऑब्वियसली तू यहाँ रोडी बनने आया है ऑब्वियस बातें क्यों कर रहा है बता ना अपने बारे में यार भाई अपने बारे में बता भाई बहन है तेरे एक भाई है बड़ा है ना तेरे से हाँ मारता हुआ तेरे रख के नहीं पहले मारता था नहीं फिर हेयर स्टाइल ऐसे अपने आप ही हो गया हाँ मुझे पसंद है मैं रखता हूँ मेरी लाइफ है मैं जो भी करूँ एटीट्यूड आ रहा है बेटी आ रहा थोड़ा आ रहा ते एटीट्यूड तो देख ले इसके माचोगिरी क्रेजीस्ट थिंग यू डन थ्रू क्रैकर्स ऑन द प्रिंसिपल वेरी गुड ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूलिंग मतलब अब तो तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता तूने 12 साल उसने तेरी तू लेता रहा अपने अंदर और जाने से पहले एक पटाखा छोड़ के भाग गया ये तू ये इतना स्टार्ट है तू ऐसा ही हूं मैं बेटा तेरी फॉर्म तेरी लेने वाली है बता हर जगह तूने अपनी मरवाई है डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड आई हैड वी ब्रोक अप ऑब्वियसली बिकॉज़ नोबडी एल्स लाइक्स यू द वे यू आर एट लीस्ट समबडी लाइक्स यू इट्स माय पर्सनल आई एम योर बाप Okay, tell us your weakness. कोई अपनी को अपनी बारे में वीकनेस नहीं बताएगा तो आई थिंक इफ फोर्स मी मेरे पास कोई वीकनेस तो नहीं है ना? क्यों? कोई नॉर्मल आदमी आएगा अपनी वीकनेस टीवी पे नहीं बताएगा तो फिर रोडीज में आता जा घर जा यहाँ पे जो पूछा जाता है ना उसका जवाब दिया कर बेटे ओके क्या तेरी वीकनेस नहीं है मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बंदे के साथ टाइम वेस्ट किया जाए कि नहीं सबसे पहली बात और आई डोंट नो आई मीन तुम्हें क्या लगता है मैं अपना ये बताऊंगा अपनी वीकनेस यू आर सिटिंग हियर एंड टेलिंग मी कि तू अपने वीकनेसेस कैमरा पे नहीं दिखाना चाहता आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू नंबर 1 नहीं बताता Now, I'm not joking with you. Now, listen to what I'm saying. And this belief gets reinforced when he says, are reality shows real? I don't think so. I don't think it's real because element of drama is always needed to create on-screen chemistry. So, he thinks ki ek film hai, ye yahan par aayega, by chance select ho jayega. Aur hum ise batayenge, sun bhai, tera role hai, tu superstar ka. Isko script nahi diya yahan pe kisi ne. Kya bolna hai isne? Script kahan tera? Scripted hai na? Aur tu isiliye aaya. Main kya tera TRP? Kya hota hai TRP ka full form? I have no idea about that. Therefore, yeah, exactly. You have no idea. Underline that. And keep, have that. Apne visiting card mein lik, Chirag Agarwal, I have no idea. Leke ghumana. Clueless is your designation, man. Clueless. Pata hai, tu itna dhakkan hai na, Chirag. Utke aa gaya, tereko idea bhi nahi hai. Tu kis kamre mein aa gaya aur kya bakwas pe le ja raha hai? Abhi tu rodi banne aaya apni marwane aaya yahan pe. Ek website khol le, takemytrip.com. I think this is, you are enjoying this, man. Your trip in life crack wide open. Chal of your achievement. कुछ तो बोल यार मेरी जान स्क्रिप्ट दो इसे स्क्रिप्टेड रियलिटी ऑब्वियसली रियलिटी में तो स्क्रिप्ट होता है इसको दे दो नॉट
not going according to plan now, is it? Actually. यार तू तो बजाने आया था. बज गई मेरी. Okay, see you then. Bye. अंदर क्या हो गया था? बजा दी मेरी उन्होंने. जो लोग आते हैं ना कहते हैं मेरे में कोई वीकनेस नहीं है और मैं सबसे बढ़िया हूँ और मैं स्टड हूँ और मेरे में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, वो लोग अक्सर 18 साल के निकलते हैं. सीरियसली 5 साल से देख रहा हूँ मैं. He is smarter than. He is smarter than you. Any day. अरे तेरी उम्र क्या है? 18. जिंदगी शुरू हुई है, कुछ नहीं सीखना, कुछ नहीं बदलना, कुछ करना भी नहीं है जिंदगी में. फेम चाहिए, सब चीज चाहिए, क्यों चाहिए नहीं, कुछ आइडिया नहीं. जैसे कहते हैं ना, द यूथ इज वेस्टेड ऑन. तो आपकी कोई स्ट्रेटजी है अंदर जाने के पहले जो आप आपको बताना चाहते हैं? नहीं, ना ही तो मैं अपनी फड़वाने जा रही हूँ, ना ही उनकी फाड़ने जा रही हूँ. मैं सिर्फ अपने आप को प्रूव करने जा रही हूँ. हाय गुरमीत. यस. कॉन्टैक्ट्स बनाए आपने? ऐसे ही, मुझे शौक है पहनने का इसलिए पहनती हूँ. अच्छा, आप कहाँ से हो? बेसिकली चंडीगढ़ से, पंजाब. पंजाब. यस. आजकल कहाँ रहती हैं आप? बैंगलोर. आपका बॉयफ्रेंड है? था, अभी नहीं है. बट यू लाइक समबडी? कुछ चल रहा है, कोई केमिस्ट्री चल रही है तुम्हारी जिंदगी में आज के डेट में? कोई एक स्पेशल लड़का है अभी? बॉयफ्रेंड नहीं है पर है कोई, है ऐसा कुछ? वो फट्टू है एक्चुअली. आप जाके बोल सकती हैं उसे? हाँ? आप जाके बोल सकती हैं? मैं उसको बोल दी, तुम फट्टू हो, तुम मेरे लाइक तो बिल्कुल. ऐसे बोलोगे तो फटेगी और क्या. ठीक है, मैं उसको पसंद करती थी, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, लेकिन मेरा एक और फ्रेंड था उसकी वजह से. साहिल है तो मैंने उसको अपना नंबर, तो फिर वो जाके नहीं नहीं बैकग्राउंड के बारे में बोलते रहते हो. तुम में कुछ गट्स है तो कुछ जाके बोलो, उससे लड़ो. क्या हुआ? बंद हो गई कहानी? इंटरवल है? इंटरवल नहीं है. ये तो आप सुन रहे हो, आप कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हो. मैं क्या कमेंट करूँ यार, आप सांस लोगे तो मैं कुछ बोलूं. ओके ठीक है, मैं सांस लेती हूँ, आप बोलो. गुरमीत तुम्हारे दोस्त है बैंगलोर में? एक दो है, ज्यादा नहीं है. आपके कॉलेज में है? मैं करेस्पॉन्डेंस कर रही हूँ, कॉलेज नहीं जाते. तो फिर बैंगलोर में क्यों हैं आप? मॉडलिंग करते हूँ. ये बताओ कि जब बैंगलोर आप आए थे, आपके हाथ में कोई असाइनमेंट था बैंगलोर का? हाँ था. कैसे मिला वो? ऑर्कुट, मेरा प्रोफाइल है ऑर्कुट में. यू शुड नॉट ट्रस्ट पीपल यू मीट ऑन ऑर्कुट. एक्चुअली वो कोऑर्डिनेटर ही है बेसिकली. कोऑर्डिनेटर? उसने बोला ना कि वो कोऑर्डिनेटर है. करते हूं. अननोन ही था वो तुम्हारे लिए? स्क्रैप किया उसने आपको बस? तो मैं आ जाती तो क्या, वो मैं क्या कर लेता? कुछ भी कर सकता. कुछ भी, जैसे कि यू कैन ट्राई टू रेप यू. ओह रियली? व्हाई नॉट? मुझे नहीं लगता. अगर लड़की इनोसेंट हो तो है. मैं तो इनोसेंट हुई नहीं किसी भी एंगल से. आप इनोसेंट नहीं है ना. चंडीगढ़ में बैठे बैठे एक और कुछ स्क्रैप के बलबूते आप अपना जिंदगी वहाँ से उखाड़ के आप बैंगलोर में आके सेटल हो गई है. आपको क्या लगता है उसने मुझे एक बार कॉल किया, मैंने अपना बोरी बिस्तरा पैक किया और मैंने कहा चलो जी बैंगलोर चलते हैं, काम मिल रहा है? ऐसा नहीं था. उसने पहले मुझे स्क्रैप किया, ठीक है, उसके बाद ऑनलाइन बात हुई. ठीक है, मैंने कहा तुम हमारे सारी लड़कियां बैठी हैं, तुमने हमसे आके पूछा मैं क्या करूं, बोलो. ठीक है, आपने उससे पूछा क्या आप आ जाओ मुंबई तो मैं चली आऊंगी. मैं कोई फूल थोड़ी ना हूँ. बड़ी लड़ाकू हो यार तुम. मैं हूँ वो तो. अब तो मुझे लगता है कि यार उस लड़के की फटी क्यों? मैं जब उसे लाइक करती हूँ तो उसकी फटी क्यों? क्यों तुम लड़ाकू हो? अरे फटी क्यों मुझे, आप बताओ. आप मेरे बॉयफ्रेंड हो, मुझे कोई सड़क पे छेड़ रहा, आप बोलो नहीं नहीं पलक चलो चलो चलो. मेरी फट रही है अभी, जैसे तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड बोला मेरी फट गई. ऑब्वियसली कोई मेरे साथ है. मैं मेरे साथ है और वो एक बेवकूफ लड़की है. बहुत लकी हो, बहुत ही बेवकूफ. बेवकूफ क्यों? बेवकूफ क्यों मुझे बताओ, आप बेवकूफ बता दो फिर मैं बोलती हूँ हाँ आई एग्री. बोलो बेवकूफ क्यों? आप लोगों पे ज्यादा जल्दी भरोसा करते हैं और अपनी अकल कभी नहीं लगाते. अगर आप लोगों पे भरोसा नहीं करोगे तो फिर काम कैसे करोगे? अगर मैं सोचूं मैं मुंबई जा रही हूँ और मैं डबल माइंडेड होके जाऊं कि मुझे हाय वो पता नहीं मेरे को काम देगा कि नहीं, वो मेरे को देगा पता, हाँ दे देगा या नहीं देगा, अगर ट्रस्ट करूंगी तब भी कुछ होगा ना. विदाउट एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं होता है. अगर एक बार बंदे को एक्सपीरियंस होता है तब भी वो दोबारा गलती नहीं दोहराता. ठीक है, अगर मैं गलती वो करूं जो मेरे को ऑलरेडी पता है कि वहां अगर आगे खड्डा है उसके अंदर जाऊंगी तो गिर जाऊंगी, और मैं सोचूं कि मुझे कोई बोले आगे खड्डा है मैं जाऊं फिर भी, तो वो गलती है. ये एक बार रिप्ले करेंगे जरा ये चीज. मेरे से गलती होगी माँ. गलती नहीं होगी. आप मुझे बोल रहे हो कि मैं नहीं, आप मुझे बेवकूफ किस रहे? मैं लड़ाकू नहीं हूँ, मैं बहुत कूल बात कर रही हूँ. आप मुझे बेवकूफ बोल रहे हो तो ऑब्वियसली बात कर रहे हो तुम्हें. आई होप मैं गलत हूँ.
I hope आपके साथ कुछ बुरा ना हो। You have been warned। मेरे साथ गलत क्यों होगा? आप बोलो ना। क्यों मैं हो ही नहीं सकता। अगर मैं भगवान का वरदान है आपके ऊपर। मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि मैं राधा हूँ कि मेरे साथ कुछ हो नहीं सकता है, मैं सीता हूँ। राधा को राधा को ले। अगर बंदे के साथ कुछ गलत नहीं होगा, आप मेरी बात सुनिए सर, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। अगर बंदे के साथ गलत होगा तब भी उसको एक्सपीरियंस होगा कि वो काम नहीं करना है जो मेरे साथ ऑलरेडी गलत हो चुका है। मैं वो काम क्यों करूंगी जो ऑलरेडी मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ होगा तब मैं उस काम को दोबारा दोहराऊंगी नहीं। मेरे अपने रूल हैं कि जो एक बार गलत हो जाए उसको दोबारा दोहराना। एक बार सर फूट जाए फिर बाद में नहीं फूटने दोगे, है ना? राजीव मत, एक ठीक है छोड़। पलक तुम नहीं सर्वाइव कर पाओगे यार। आपको क्यों लग रहा है मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी? क्यों आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि हम शो बनाते हैं। नहीं नहीं, आपको क्यों लग रहा है मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी? आपके दिमाग में घुस नहीं रही है बात। आप रहने दो, आप रहने दो, प्लीज रहने दो, आप रहने दो, प्लीज रहने दो। बच्चा क्या, बच्चे क्या, बच्चे आपको कहाँ से बच्चा दिख रही हूँ मैं? मैंने नहीं कहा। मैं क्या निप्पल लगा के आई हूँ मुंह में? सॉरी, बच्चे दिख रही हूँ मैं? सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, मुझे कुछ और कहना चाहिए था। मैं अगर नेक्स्ट टाइम आती तो निप्पल लगा के आती तो तुम बोलना। आप हाँ तो बोलने में डर लग रहा है। डरो मत, आप बोलो बोलो। पता है रूडीज में जो आएंगे वो बहुत ही शाने होंगे और आप हैं बूंदू। मैं बूंदू क्यों? मैं बूंदू क्यों? क्यों? बात सिर्फ इतनी है, मैं पंजाबी हूँ, मेरे वॉइस मैं उसकी बात में बात करती हूँ। घर से को बदनाम कर दिया तुमने अपने कमियों के को छुपाने के लिए। आप मैं कमी पंजाब पंजाब खराब है क्या? पंजाब के लोग बात ही ऊंची आवाज में करते हैं तो इसमें पंजाब वालों की गलती थोड़ी ना। हम लोग बात ही ऊंची आवाज में करते हैं। अब मुझे बच्ची बोलो चाहे कुछ भी बोलो, मुझे पता है मैं क्या हूँ। थैंक्स पलक, थैंक यू सो मच, एंजॉय सर, बाय। बच्ची बोल रहे हैं मुझे यार, मैं क्या करूँ? मेरा दिल कर रहा था कि मैं वहीं पे कुछ ऐसा कर दूं कि उनको पता चले मैं बच्ची नहीं हूँ, बच्ची की माँ हूँ। अगर आपको प्रूव करना पड़ता ना कि आप बच्ची नहीं है तो आप क्या करते? कुछ भी करती, जो भी वो बोलते ना मैं वो करती थी, चाहे मुझे आता था चाहे नहीं आता था, लेकिन मैं प्रूव करती थी डेफिनेटली।